ओके तो हम बात कर रहे थे हमारा सेकंड सेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में कि बेचेट सिंड्रोम एंड बेचेट सिंड्रोम का फर्स्ट एमसीक्यू क्या डेवलप होता है कि ये किसके साथ में एसोसिएट होता है। फर्स्ट मैंने बोला HLA-P5 और वहां पे क्या मेंशन हो सकता है, ऑप्शन में B51 भी मेंशन हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमारे को। अगर HLA-P5 है तो B5 को टिक करना है, और अगर ओनली B51 है तो हम B51 टिक करना है, ठीक है। देन ये किसको अफेक्ट करता है, यंग को, मेल एंड फीमेल इक्वली अफेक्ट होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया 1+2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे को यहाँ पे ध्यान रखना है। 1+2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये 1+2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, वन इज एसेंशियल एंड एसेंशियल वन इज दी सिंकुओनन, ठीक है, जो कि हॉलमार्क ऑफ दी HOD मीन्स हॉलमार्क ऑफ दी डिजीज है। ओके देन सिंकुओनन का मतलब क्या है यहाँ पे कि रिकरेंट ओरल अल्सर, रिकरेंट ओरल अल्सर्स। और ये रिकरेंट ओरल अल्सर्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पेनफुल फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये सबसाइड हो जाते हैं विदाउट लिविंग दी स्कार्स, विदाउट लिविंग एनी स्कार। ओके तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हमारे रिकरेंट ओरल अल्सर्स के। ओके देन नॉन एसेंशियल्स के लिए उनमें से टोटल जो हमारे पास में चार हैं उसमें से क्या दो प्रेजेंट मिलने चाहिए, और वो कौन कौन से हैं। नॉन एसेंशियल के लिए फर्स्ट वन इज रिकरेंट जेनाइटल अल्सर, सेकेंड वन इज आई बाइलेटरल एंटीरियर यूवियाइटिस, जिसको जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोपियोन, ठीक है। अच्छा एक जेनेटल अल्सर से एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू आया था, वो ध्यान रखना। और वो क्या था कि हमारा बेचेट सिंड्रोम के अंदर जो जेनेटल अल्सर्स होते हैं वो नेवर इन्वॉल्व, किसको इन्वॉल्व नहीं करेगा, वो ग्लांस और यूरेथ्रा को इन्वॉल्व नहीं करता है, ग्लांस एंड यूरेथ्रा यूरेथ्रा को इन्वॉल्व नहीं करता है, बिग क्रॉस, ठीक है। क्योंकि एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्योंकि मैंने अभी ये किसके अंदर बता रहा हूं, रिकरेंट जेनेटल अल्सर्स नॉन एसेंशियल्स के अंदर, तो इसके लिए एक पेटेंट लाइन बोली जाती है, इट इज लेस कॉमन बट मोर स्पेसिफिक, इट इज लेस कॉमन बट मोर स्पेसिफिक एंड नेवर इन्वॉल्व्स द ग्लांस एंड यूरेथ्रा, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। अच्छा सेकेंड वन सिम्टम इज आई बाइलेटरल एंटीरियर यूवियाइटिस, एंड इसको किसके साथ में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको, राइट सिंड्रोम के साथ में, राइटर्स सिंड्रोम के साथ में, क्योंकि वहां पे भी आपको हाइपोपियन मिलेगा, ठीक है। देन स्किन की बात करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को, स्किन में स्यूडो फोलिकुलाइटिस एंड स्यूडो पस्टुलर इरप्शंस मिल सकते हैं, एंड इरिदमा इरिदमा नोडोसम्स, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट बताए थे, इन चार में से क्या दो प्रेजेंट होने चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं 1+2 क्राइटेरिया और फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द बेचेट सिंड्रोम। ओके तो वो फोर्थ पॉइंट क्या है, पैथर्जी टेस्ट, ठीक है। अदर्स के अंदर क्या आ सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मिल सकता है, ठीक है, GIT अल्सर्स प्रेजेंट मिल सकते हैं, ठीक है, GIT अल्सर्स मिल सकते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मिल सकता है, बट नेवर इन्वॉल्व्स द कार्डियक मसल्स, नो कार्डाइटिस, नो मायोकार्डाइटिस, ओके ये अपने को पता होना चाहिए। देन हम बात करेंगे SLE की, एंड SLE से आपको खुद को भी पता है, कई बार SLE से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड SLE हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टमिक ल्यूपस इरिडेमेटोसिस, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे हैं, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से होनी चाहिए, जिसके अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट होना चाहिए, TREX1 जीन, ओके TREX1 जीन, TREX1 जीन,
जीन प्रेजेंट मिलना चाहिए एसएलई में, ओके। देन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि एसएलई के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके एंटीबॉडीज से, तो क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है तो ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन क्या आता है, एमसीक्यू क्या आता है, इधर ध्यान से देखिए। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट कॉमन ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो एंटीबॉडी ऑफ एसएलई, ओके। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एसएलई, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एसएलई। तो तीनों का आंसर क्या देना आपको, ए एन ए, आंसर क्या जाना चाहिए, आंसर इज ए एन ए। कई बार एमसीक्यूज पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। बट डिफरेंट कहां पे आ जाएगा, डिफरेंट यहां पे आता है फोर्थ पॉइंट पे, कि अगर क्वेश्चन को घुमा दिया इन्होंने और क्वेश्चन पूछ लिया मोस्ट स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी, देन हमारा आंसर चेंज हो जाएगा एंड आंसर क्या जाएगा, एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, ठीक है। जो कि क्या होंगी, ओनली ध्यान से सुनना, ओनली 25-30% स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, मोस्ट स्पेसिफिक पूछा था। बट अगर क्वेश्चन को और घुमा के पूछा जाता है और वहां पे लिखा हुआ आता है हाईली, देख लीजिए आप ध्यान से, हाईली स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडी फॉर एसएलई, तो आंसर एक बार और चेंज हो जाएगा एंड आंसर अब क्या आंसर जाएगा हमारा, एंटी डीएस डीएनए। एंड इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है, 70%, इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी है 70%। तो आपको आंसर किस बेसिस पर करना है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाईली स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज पूछी है तो एंटी डीएस डीएनए, मोस्ट स्पेसिफिक पूछा है ऑटो एंटीबॉडीज तो आंसर क्या करना है, एंटी स्मिथ, मोस्ट सेंसिटिविटी, मोस्ट स्क्रीनिंग, मोस्ट कॉमन ऑटो एंटीबॉडी, तो आंसर क्या जाना चाहिए। तो केवल शब्दों का खेल है, तो इसीलिए इनको एक साथ लिख के आंसर को एकदम सही करके आना, कहीं पर भी चूकना मत, ठीक है। नेक्स्ट, ये यहाँ पे कंफ्यूजन होता है इसीलिए मैंने 2 मिनट लिया आपका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछेंगे, और वो पूछेंगे आपको एंटी आर ओ एंड एंटी ला, एंटी रो एंड एंटी ला किसके लिए स्पेसिफिक है, वो जोग्रंस के लिए स्पेसिफिक है, हमारे जोग्रंस सिंड्रोम के लिए स्पेसिफिक है, ओके। तो हमारे को ये पता भी होनी चाहिए एंटी रो एंड एंटी ला किसके लिए स्पेसिफिक है। अच्छा, एक क्वेश्चन घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। ऑल एक्सेप्ट बैड प्रोग्नोसिस, ऑल एक्सेप्ट बैड प्रोग्नोसिस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया होगा, डिक्रीज कॉम्प्लीमेंट लेवल। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया होगा, डिक्रीज प्लेटलेट। थर्ड ऑप्शन दिया होगा, इंक्रीज डीएस डीएनए, ओके। देन फोर्थ पॉइंट दिया हुआ होगा आपको, एंटी रो एंड एंटी ला, तो ये गुड प्रोग्नोसिस के साथ में होता है, एंड बाकी सब क्या होंगे, बैड प्रोग्नोसिस के साथ पे होते हैं,
ओके। और इसी तरीके से एक क्वेश्चन एमसीक्यू क्यों पूछा जाता है, एंटी फॉस्फो, एंटी फॉस्फो लिपिड, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज किसमें देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में, ओके। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स के अंदर देखने को मिलेगी, ओके। ये यहाँ पे सब लिखा हुआ है मेरा, ठीक है। अब एसएलई को डायग्नोस करने के लिए क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, 4x11, मींस यहाँ पे मैंने टोटल आपके सामने टोटल 11 सिम्टम्स मेंशन किए हैं, एंड 11 में से कितने प्रेजेंट होने चाहिए, फोर सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट वन इज मेलारेसिस, डिस्कोइडेसिस, फोटोसेंसिटिविटी, ओरल अल्सर्स, आर्थराइटिस, जो कि अच्छे से याद रखना, दो बार मैं अगर बोल रहा हूँ मीन्स यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आर्थराइटिस जो कि नॉन इरोजिव आर्थराइटिस, एंड डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, नॉन इरोजिव आर्थराइटिस किसमें देखने को मिलेगा, एसएलई। एंड ऑल एक्सेप्ट में कई बार है ना यहाँ पे इरोजिव आर्थराइटिस मेंशन्ड होता है, तो वो हमारा ऑल एक्सेप्ट का आंसर बनेगा, ओके। तो हमारे को क्या ध्यान रखना है, एसएलई में नॉन इरोजिव आर्थराइटिस देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज सीरोसाइटिस, किडनी, किडनी में क्या डेवलप करेगा, प्रोटीन्यूरिया ग्रेटर देन 0.5 ग्राम पर डीएल। देन सीएनएस सिम्टम्स में सीजर्स एंड साइकोसिस, सीजर्स एंड साइकोसिस सीएनएस सिम्टम्स आएंगे। नाइन्थ पॉइंट है ब्लड, ब्लड में क्या मिलेगा, ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, मींस यहाँ पे कूम्स पॉजिटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, कूम्स पॉजिटिव मिलेगा। देन 10th पॉइंट है एनटीडीएस डीएनए, एनटीडीएस डीएनए मैंने जैसे कि अभी बताया था, ये क्या है, हाईली स्पेसिफिक, क्या बताया था, हाईली स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिसिटी इज दी 70%, ओके। देन 11th पॉइंट इज मोस्ट स्क्रीनिंग एंड सेंसिटिविटी टेस्ट, एएनए, ठीक है, एएनए, ओके। अच्छा, इसको ना पूरे 11 सिम्टम्स को किस तरीके से याद रख सकते हो, मैट शॉप रिच से, ठीक है, कैसे, एक मतलब मेरा ट्रिक है ये, ठीक है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, मैं अपनी ट्रिक यहां पे लिख रहा हूं, मैड मैड शॉप रिच, ओके। इससे मैंने याद कर रखा है इस चीज को, ठीक है, तो आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं इसके लिए। मैट शॉप रिच से ना इसके फर्स्ट लेटर्स को लेके मैंने मैट शॉप रिच बना रखा है, तो आप भी अपना ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे ल्यूपस नेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस से क्वेश्चन क्या प्रेजेंट होता है, ल्यूपस नेफ्राइटिस समझने से पहले एक एमसीक्यू समझने की कोशिश करना कि क्या आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या आता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ एसएलई, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द एसएलई, फर्स्ट ऑप्शन, अभी आपने टोटल 11 सिम्टम्स पढ़े हैं, तो ओरल अल्सर, सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन इज मेलारेसिस, मेलारेसिस, थर्ड ऑप्शन आर्थ्रेलजिया, फोर्थ पॉइंट इज फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिविटी, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका, आर्थ्रेलजिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, तो इसकी इस पे मोस्ट कॉमन क्यों है, ये 95% एंड ग्रेटर देन 95% प्रेजेंट मिलता है। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन सिम्टम अगर पूछे तो आंसर क्या जानना चाहिए, फोटो सेंसिविटी, और जो कि 70% प्रेजेंट मिलता ही मिलता है हर पेशेंट में। देन अगर थर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो यहाँ पे 70% के साथ में मोलार रेसेस, मेलार रेसेस, ओके। अगर एंडोकार्डाइटिस, लिबमैन सैक एंड फिब्रिनस एंडोकार्डाइटिस, ओके। अगर ड्रग इंड्यूस ल्यूपस की बात करते हैं
तो अगर ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, तो उसके लिए क्या पूछेंगे आपको? क्वेश्चन आएगा मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो आंसर क्या करेंगे हम आप, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज किसके लिए है? ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस के लिए है। तो यहां से हमारा कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट स्पेसिफिक है, मोस्ट स्पेसिफिक, ओके, मोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। बट एसएलई किसको अफेक्ट नहीं करता है? किडनीज को एंड सीएनएस को रेयरली अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या चीज है? सार्कोइडोसिस इज दी क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिजीज है, क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिजीज है, जहां पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ दी लिम्फोसाइट्स जो कि ग्रेनुलोमा फॉर्मेशंस करेंगे, एंड मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स जो कि सार्कोइडोसिस में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? लंग्स, बाइलेटरल हिलर लिम्फ नोड, बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड्स। तीन चीजें अपने को पता होनी चाहिए मोस्ट कॉमन ऑर्गन्स के अंदर, लंग्स, बाइलेटरल हिलर लिम्फ नोड एंड बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड, ओके। देन स्किन की बात करें तो स्किन के अंदर मोस्ट कॉमन स्किन में क्या मिलेगा? मैक्यूलो पेपुलर रेसेस मिलेंगे, मैक्यूलो पेपुलर रेसेस मिलेंगे। देन इरिदमा नोडोसम, जिसको क्या बोलते हैं? लॉफ ग्रीन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लॉफ ग्रीन सिंड्रोम, ठीक है। अगर ल्यूपस पेरिनियो प्रेजेंट है तो मतलब वो क्या शो कर रहा है? ल्यूपस पेरिनियो शो करता है बैड प्रोग्नोसिस को, ठीक है। सार्कोइडोसिस में ल्यूपस पेरिनियो किसको शो करता है? बैड प्रोग्नोसिस है। ल्यूपस पेरिनियो क्या है? ब्लूइश पर्पलिश स्वेलन लीजन ऑन द फेस, ब्लूइश पर्पलिश स्वेलन लीजन ऑन द फेस, ओके। एक सिंड्रोम और है, वो देखिए, डायरी रोजी सार्कोइडोसिस, ठीक है, डायर रोजी सार्कोइडोसिस। ये क्या चीज होती है? जहां पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑन दी ट्रंक और लोअर लिम, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा हमारे को? सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स मिलते हैं कहां पे? हमारे ट्रंक पार्ट पे और लोअर लिम पार्ट में। इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरिया रोजी सार्कोइडोसिस, ओके। देन न्यूरोसार्कोइड में हमारे को क्या मिलेगा? मोस्ट कॉमनली फेशियल पाल्सी मिलेगी, और फेशियल पाल्सी भी किस तरीके की? यूनिलेटरल, ठीक है। अभी मैंने बताया था लॉफ ग्रीन सिंड्रोम को, एंड लॉफ ग्रीन सिंड्रोम को हम किस तरीके से देखेंगे? देखिए, जो कि एक्यूट जो सार्कोइडोसिस होता है ना, तो उसको दो पार्ट में देखते हैं। वहां पे दो सिंड्रोम होते हैं, एक्यूट सार्कोइडोसिस के दो सिंड्रोम होते हैं। फर्स्ट वन इज लॉफ ग्रीन सिंड्रोम, एंड लॉफ ग्रीन सिंड्रोम में कौन सी तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं? जॉइंट सिम्टम। सेकेंड वन इज इरिदमा नोडोसम। देन थर्ड वन इज बाइलेटरल हिलर लिम्फ नोड, ओके। एंड सेकेंड एक्यूट सिंड्रोम कौन सा होता है? हिलफोर्ड सिंड्रोम, ठीक है। यहां पे देखिए, ये रहा, ठीक है, हील फोर्ड सिंड्रोम। एंड हील फोर्ड सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? यूवियो पैरोटिड फीवर, यूवियो पैरोटिड फीवर, जिसमें कौन कौन से सिम्टम्स मिलेंगे सिंड्रोम में? फर्स्ट फीवर, सेकेंड वन इज बाइलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट, बाइलेटरल पैरोटिड एनलार्जमेंट,
थर्ड वन इज एंटीरियर यूवियाइटिस, एंटीरियर यूवियाइटिस। फोर्थ वन इज फेशियल नर्व पाल्सी, फेशियल नर्व पाल्सी। ओके, तो ये फोर कंडीशंस मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि, और यहां से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। हील फोर सिंड्रोम एंड लॉफ ग्रीन सिंड्रोम आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इसके डायग्नोसिस के लिए चीज देखना कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस आंसर क्या करेंगे हम, टिश्यू बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी, जहां पे क्या मिलेगा, ग्रेन्यूलोमास मिलेंगे, ग्रेन्यूलोमास प्रेजेंट मिलेंगे, जो कि नॉन केशिएटिंग टाइप्स के होंगे, जो कि क्या होंगे, नॉन केशिएटिंग, नॉन केशिएटिंग टाइप्स के ग्रेन्यूलोमास प्रेजेंट मिलेंगे। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, प्लस क्या चीज है, इसके साथ में हमारे को क्या मिलेगा, इंक्लूजन बॉडीज मिलेगी, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट मिलेंगी, एंड यही डायग्नोसिस के लिए काम आएगा, क्योंकि सार्कोइडोसिस की क्या है, एस ए आर, एंड यही तीन नाम से तीन इंक्लूजन बॉडीज मिलती है। एस मीन्स श्वमान बॉडीज, बॉडीज, ए मीन्स एस्टेरॉइड बॉडीज, आर मीन्स रेजिडुअल बॉडीज। तो सार्कोइडोसिस के एस ए आर से आपको इसके इंक्लूजन बॉडीज याद रहेंगे, सोमान बॉडीज, एस्टेरॉइड बॉडीज एंड रेजिडुअल बॉडीज, ओके। एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सुमान्स बॉडीज किसमें देखने को मिलेगी, एस्टेरॉइड बॉडीज किसमें देखने को मिलेगी, रेजिडुअल बॉडीज किसमें देखने को मिलेगी, हमेशा आंसर क्या जाएगा हमारा, सार्कोइडोसिस, ओके। आंसर चेंज नहीं होगा, तो हमारे को तीनों के तीनों बॉडीज पता होनी चाहिए, आंसर कभी चेंज, सुमान बॉडी, एस्टेरॉइड बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज, ओके, ये हमारे को पता होनी चाहिए। प्लस गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस कब बनेगा, जब टिश्यू बायोप्सी प्लस विद इंक्रीज CD4 काउंट, विद CD4 काउंट इंक्रीज मिलेंगे। प्लस हम पेशेंट का क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे, तो यहां पे हमारे चेस्ट एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो चेस्ट एक्सरे आएगा तो वहां पे हमारे को, हमने जैसे बताया था इसके कार्डिनल फीचर्स के अंदर, कि यहाँ पे हमारे को मिलेगा बाइलेटरल हीलर लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, ओके, और जहाँ पे क्या मिलेगा, पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, ठीक है। एक स्कोरिंग स्केल आती है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी की होगी, हियरिंग स्केडिंग स्कोरिंग सिस्टम, तो स्केडिंग स्कोरिंग सिस्टम इज यूजफुल फॉर द सार्कोइडोसिस, बाई नेम पूछा जाता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, ठीक है, कि बाय नेम से अगर पूछा जाता है तो बाय नेम स्कोरिंग सिस्टम हमारे को पता होना चाहिए, तो बाय नेम से पूछा जाएगा स्केडिंग स्कोरिंग सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, तो आंसर क्या जाना चाहिए हमारा, सार्कोइडोसिस, ओके। तो बाय नेम से पूछा जाता है, और इसके अंदर क्या चीज आती है, फोर कंडीशंस आती है। फर्स्ट वन इज बाइलेटरल हिलर लिम्फ नोड विदाउट पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट, सेकंड कंडीशन है बाइलेटरल हिलर लिम्फ नोड विद पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट, थर्ड कंडीशन है नो बाइलेटरल हिलर लिम्फ नोड ओनली पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट, एंड फोर्थ कंडीशन है एडवांस फाइब्रोसिस डेवलप हो जाए, जहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, एक्सेल कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी कंडीशंस हैं हमारे सारकोइडोसिस के साथ में, ठीक है। जहां पे एक चीज और देखिए, जहां पे ब्रोंकियो एल्वोलर लिवाज करेंगे, और लिवाज में हमारे को क्या मिलेगा, इंक्रीज लिम्फोसाइट्स एंड इंक्रीज कैल्शियम, इंक्रीज एसीई, इंक्रीज CD4 काउंट, CD8 काउंट्स प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। बट अगर ब्रोंकियो एल्वोलर लिवाज करें अगर हमारे वेगेनर्स के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना। देखिए डिफ्रेंशिएटली बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको। वेगेनर्स ग्रैनुलोमेटस में मैंने एक ट्रायंगल बनाया था, जिसमें ऊपर ही ऊपर मैंने क्या लिखा था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन्वॉल्वमेंट, लोअर रेस्पिरेटरी एंड किडनी। तो लोअर इन्वॉल्वमेंट हुआ था जहाँ पे बाइलेटरल कैविटेटरी नोड्यूल्स बताए थे ना, तो वहां पे अगर ब्रोंकियो एल्वोलरी लिवाज अगर करते हो तो वहां पे क्या मिलेगा, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट्स मिलेंगे। बट इन अ केस ऑफ दी सार्कोइडोसिस की बात करें, सार की बात करें, तो वहां पे ब्रोंकोएल्युलर लिवाज में हमारे को क्या मिलेगा, इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट्स, ठीक है, इंक्रीज लिम्फो साइट काउंट, ओके। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं कुछ कुछ, तो हमारे को पता होने चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज करेंगे। ऑल एक्सेप्ट में कई बार ये न्यूट्रोफिल काउंट को इंक्रीज करते हैं, बट न्यूट्रोफिल काउंट किस में देखने को मिलेंगे, वेगेनर्स में देखने को मिलेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग पता होनी चाहिए हमारे को, ठीक है। उसके अलावा क्या, ट्यूबरक्लिन टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक टेस्ट और है, किविम सेल्बिक टेस्ट। किविम सेल्बिक टेस्ट इज डन फॉर सार्कोइडोसिस बाय नेम, ये टेस्ट पूछा जाता है। इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, बस बाय नेम से अगर पूछा जाता है तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये हम डायरेक्ट आंसर करेंगे कि ये हमारे सार्कोइडोसिस के लिए किया जाता है, ओके। किविम सेल्बिक टेस्ट। देन गैलियम स्कैन के अंदर दो साइन आते हैं, वो इंपॉर्टेंट साइंस हैं। गैलियम 67 स्कैन अगर किया जाता है, तो 2 सेकेंड, तो देखिए गैलियम 67 स्कैन अगर किया जाता है, तो यहाँ पे दो साइन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट साइन इज पांडास साइन, एंड बाय नेम भी पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, पांडास साइन सी नींदी, ओके। तो आंसर क्या जाना चाहिए, सार्कोइडोसिस, ठीक है। पांडा साइन किस में प्रेजेंट मिलता है, एंड लेमडा साइन किस पे देखने को मिलता है, बाय नेम से पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें से बनेगा ही बनेगा। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, पांडा साइन किसको बोलते हैं, जहां पे इंक्रीज दी अपटेक बाय दी बाइलेटरल पैरोटिड ग्लैंड प्लस लैक्रिमल ग्लैंड, ग्लैंड, ओके। बट इन लेमडा साइन ध्यान से देखना, इंक्रीज दी अपटेक बाय दी राइट पैरा सॉरी पैरा ट्रेकियल प्लस लेफ्ट हिलर लिम्फ नोड, लेफ्ट हिलर लिम्फ नोड, ओके। तो इसीलिए इसको लेमडा साइन बोला जाता है, एंड पांडा साइन बाई नेम से पूछा जाता है। इनके बारे में पता हो या ना हो, बट इन बाई नेम हमारे को पता होना चाहिए, ये टेस्ट साइन किस में देखने को मिलता है। और ये कई क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। देन स्क्लेरोडर्मा, जिसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास में 10 मिनट है शायद तक, तो हमें भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में सिस्टम से ही पता हो रहा है कि ये क्या है, क्रोनिक मल्टी सिस्टम डिजीज है, करेक्टराइज बाय दी फाइब्रोसिस एंड फाइब्रोसिस ऑफ दी मोस्ट कॉमनली सीन इन दी स्किन ऑफ 90% कवर करता है हमारे को स्किन, 90%।
ओ सॉरी, 90% से भी ज्यादा हमारा ना ब्लड को होता है ना, ब्लड वेसल्स को, सार्कोइडोसिस, तो सॉरी स्क्लेरोडर्मा, तो ब्लड को अफेक्ट करता है 99% ब्लड वेसल्स को। एंड देन लास्ट में अल्टीमेटली फाइब्रोसिस कहाँ पे डेवलप कर सकता है, विसरास के अंदर, कहाँ पे डेवलप कर सकता है, विसरल एरियाज में। ओके ओके, अगर स्किन को अफेक्ट करेगा तो वहां पे क्या डेवलप कर सकता है, अल्सर्स डेवलप कर सकता है, देन स्क्लेरोडेक्टाइली डेवलप करेगा, डक्टाइली डेवलप करेगा, देन लिमिट करेगा हमारे मूवमेंट को, क्योंकि स्किन क्या हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, तो मूवमेंट मूवमेंट लिमिट हो जाएंगे। ओके, एंड वहां पे क्या होंगे, पिगमेंटेशंस, पिगमेंटेशंस डेवलप होंगे। अगर ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है तो वहां पे कौन सा फिनोमिना देखने को मिलेगा, रेनॉल्ड्स फिनोमिना, रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखने को मिलेगा। ओके, रेनॉल्ड्स फिनोमिना देखने को मिलेगा। अच्छा, स्किन अगर फेस की अफेक्ट होती है तो वहां पे फेस पे ना एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जो कि देखिए मैं एक फेस बना के बताने की कोशिश करता हूँ कि वहां पे फेस पे क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जो फेस है तो वहां पे क्या क्या देखने को मिलता है, इसी तरीके से आपको भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, अच्छा लगे या ना लगे। ठीक है, देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले इस चीज को मार्क करके लिखेंगे हम, क्या, रिंकल लेस, रिंकल लेस स्किन दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉट स्किन, टॉट स्किन। ठीक है, और बाई नेम पूछा जाता है रिंकल लेस स्किन किसमें देखने को मिलती है, टॉट स्किन किसमें देखने को मिलती है, तो क्या आंसर जाएगा, स्क्लेरोडर्मा। देन सेकंड, ये नोज किस तरीके की देखने को मिल रही है हमारे को, बीक लाइक, तो बीक लाइक नोज किसमें देखने को मिलेगी, आंसर इज स्क्लेरोडर्मा। और बीक लाइक की जगह इसको एक और वर्ड दे सकते हैं, पिंच्ड आउट, पिंच्ड अप, पिंच्ड अप नोज। ओके, देन क्या होगा, ये मैंने कैसा मुंह बनाया है, छोटा सा मुंह बनाया है। ठीक है, तो इस छोटे से मुंह को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टोमिया। ओके, देन ये क्या, ये सारे रिंकल्स ऊपर से हटके और कहां पे आ गए, ये जो सारे रिंकल्स बनाए हैं तो वो क्या हो गए, रिंकल्स अराउंड द फे माउथ। ओके, रिंकल्स अराउंड द माउथ प्रेजेंट मिलती है। ठीक है, ये होता है, इसको होता है, ये सारी चीज किसको शो करती है, मास्क लाइक फेस को, मास्क लाइक फेस। ठीक है, किसी तरीके से भी फेस से कोई भी क्वेश्चन आता है, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आंसर क्या जाएगा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, आंसर क्या जाएगा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ओके, ये आंसर गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी जीआईटी इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या होगा, हमारे पास में 5 मिनट है, जीआईटी इन्वॉल्वमेंट में जैसे कि इसोफेगस को अफेक्ट करेगा, इसोफेगस को अगर अफेक्ट करता है तो इसोफेगस में क्या डेवलप करेगा, डिस्फेजिया। और डिस्फेजिया जब मैं समझा रहा था, जब आपको हमारी जब जीआईटी क्लास हुई थी, तब मैंने स्क्लेरोडर्मा मैंने एक्सप्लेन किया था, जो कि मेनली किसको पार्ट को अफेक्ट करेंगे, लोअर वन थर्ड को, एंड लोअर वन थर्ड में क्या डेवलप करेगा, जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज डेवलप करेगा, एंड इससे क्या हो जाएगा, इसोफेजाइटिस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसोफेजाइटिस डेवलप होगा, एंड इसोफेजाइटिस से क्या होगा, बैरेट इसोफेगस, आपको बताया था जीआरडी का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बैरेट इसोफेगस, या रिस्क फैक्टर ऑफ द बैरेट इसोफेगस में मैंने बताया था, बैरेट इसोफेगस, एंड बैरेट इसोफेगस से क्या डेवलप होगा, कौन सा कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा डेवलप होगा। एंड अगर इसोफेगस के बाद में स्टमक की बात करें, तो स्टमक में मैंने क्या बताया था, स्टमक में होता है गेओ,
गेव की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से लिखना, गेव की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे लिखा है मैंने स्टमक गेव, ठीक है। गेव मीन्स गैस्ट्रिक एंट्रल, गैस्ट्रिक एंट्रल वेस्कुलर, वेस्कुलर इक्टेशिया, एंड उसकी वजह से क्या डेवलप होगा, वाटर मेलन स्टमक, वाटर मेलन स्टमक, वाटर मेलन स्टमक। तो अपने को पता होना चाहिए वाटर मेलन स्टमक किसमें देखने को मिलता है, बाई नेम पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं आपके यूपीएससी के। वाटरमेलन स्टमक किसमें देखने को मिलता है, हमारे को स्क्लेरोडर्मा में, ओके। एंड लास्ट इंटेस्टाइन पोर्शन की बात करें, मोस्ट इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो वहां पे क्या मिलेगा, डिसमोर्टिलिटी, जहाँ पे स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्ट मैं चीज बताता हूँ, वो है हमारी क्या, मोस्ट कॉमन डेथ, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ वो क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लंग। एंड लंग इन्वॉल्व करेगा तो लंग में क्या डेवलप करेगा, फाइब्रोसिस डेवलप करेगा। एंड फाइब्रोसिस करने के पीछे कौन सा न्यूमोसाइट सेल्स इन्वॉल्व हो सकती है, KL6, KL6 टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जहां पे प्रेजेंट मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, केएल डॉक्टर सिक्स क्या मुकेश, है, जस्ट 3 मिनट्स लेफ्ट। ओके ओके ओके, ठीक है, हमारा कंप्लीट होने वाला है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ओके। तो KL6 क्या है, दिस इज अ ग्लाइको प्रोटीन, दिस इज ए ग्लाइको प्रोटीन प्रेजेंट इन दी दिस स्क्लेरोडर्मा पेशेंट, ओके। देन किडनी में बात करें तो किडनी रीनल फेलियर डेवलप होगा, ठीक है, रीनल फेलियर, ठीक है। देन बोन की बात करें तो बोन में क्या होगा, इंक्रीज रिजॉर्प्शंस, इंक्रीज दी रिजॉर्प्शंस। एंड यहाँ पे एक चीज हमारे को पता होनी चाहिए कि कहाँ पे रिजॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट कॉमनली इन दी टिप ऑफ दी टर्मिनल फेलिंग्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रो ऑस्टियोलाइसिस, एक्रो ऑस्टियोलाइसिस, एक्रो ऑस्टियोलाइसिस, जिसमें क्या होता है, रिजॉर्प्शन मोस्ट कॉमनली इन दी टर्मिनल फेलिंग्स, टर्मिनल फेलिंग्स, फेलिंजेस, ओके। तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है स्क्लेरोडर्मा, ओके। फिर हम नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो हमारे पास में जोग्रन सिंड्रोम एंड आर्थराइटिस, जितने भी टाइप के, मोनो आर्थराइटिस, पॉली आर्थराइटिस, पॉसी आर्थराइटिस या ऑलिगो आर्थराइटिस, इसको हम कवर करेंगे। एंड बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कवर करेंगे इन हम आवर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच।